आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स ठीक है बट अगर मैं पहले केस की बात करूं तो हमें बताया है कि यहाँ पे जो बैग में कैंडीज है वो सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है तो आप अगर उसमें से एक कैंडी निकाल रहे हो वो ऑरेंज फ्लेवर की निकली इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जीरो क्योंकि उसमें ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज है ही नहीं सो डायरेक्ट जीरो लिख देंगे हम इसमें नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट है हमारे पास अ लेमन कैंडी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी अब देखो पूरे बैग में जितनी भी कैंडीज है सारी लेमन फ्लेवर्ड है सो कोई भी निकाल ले वो लेमन ही होगी मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी दिस इज अ श्योर इवेंट अभी हमने पे फिलिप्स में किया है ना सो ये बेसिकली हमारा हो गया श्योर sure इवेंट या बोल सकते हैं सर्टेन इवेंट कि ये होगा ही होगा सो प्रोबेबिलिटी वन ही होगी एंड ये जो था ऑरेंज फ्लेवर ये था हमारा इम्पॉसिबल इवेंट तो ये हो ही नहीं सकता जिसमें ऑरेंज फ्लेवर ही नहीं सो दिस वॉज दिक्स क्वेश्चन नेक्स्ट सेवें ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट दिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट नॉट है सेम बर्थडे अब देखो प्रॉबिबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे ये हमें दे रखा है ठीक है जी ंग सेम बर्थडे की प्रॉबिलिटी क्या है जीरो पॉइंट नाइन नाइन टू नेक्स्ट ये हमसे क्या पूछा है प्रॉबिबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट उसका उल्टा पूछ लिया तो हम क्या करेंगे ये बेसिकली हमारा हो गया प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग और ये हो गया प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट

8. क्लियर है जी आगे बढ़े सेवेंथ क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट एट क्वेश्चन है हमारे पास अ बैग कंटेन्स थ्री रेड बॉल एक बैग में तीन रेड बॉल्स हैं फाइव ब्लैक बॉल्स हैं अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड सो यहाँ पे हमारी फेवरेबल आउटकम क्या होगी देखो बैग में टोटल कितनी बॉल्स है पहले तो ये भी देख लो टोटल कितनी बॉल्स है फाइव सिक्स सेवन एट सो टोटल हमारे पास टोटल आउटकम्स कह सकते हैं टोटल आउटकम्स है हमारे पास एट क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स एट है अब जी फेवरेबल आउटकम पहला रेड पूछा है तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी तो निकालते हैं अभी फेवरेबल तीन है सो so ये हो गया फेवरेबल आउटकम थ्री अब जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो जी प्रोबेबिलिटी हमारा होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स ठीक है ना अब इस केस में फेवरेबल हमारी थ्री है और टोटल एट है तो थ्री अपॉन एट विल बी दी प्रॉबिलिटी सेकेंड पार्ट पे आते हैं सेकेंड पार्ट है नॉट रेड सो देखो यहां पे अब दो तरीके हैं करने के एक तो जी अभी हमने निकाला प्रोबेबिलिटी ई e. इसको हटाते हैं यहां से प्रोबेबिलिटी ई निकाला है हमने अब वो बोल रहे हैं नॉट रेड तो ये एक तो ऑप्शन यही है वन माइनस थ्री अपॉन एट कर देंगे हम सो so ये देखो यहाँ पे एलसीएम आया दिस विल विल बी बी या दूसरा आप ऐसे कर सकते थे कि नॉट रेड मतलब ब्लैक ही होगी तो ब्लैक की फेवरेबल क्या है फाइव एंड टोटल हमारी अगेन टोटल तो एट ही होगी सो so हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फाइव अपॉन एट So, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा सो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन एट वाइट मार्बल्स एंड फोर ग्रीन मार्बल्स है वन मार्बल इज टेक आउट ऑफ दॉक्स एट रैंडम व्हाट इज दॉबलिटी दैट दार्बल टेकन आउट विल बी रेड पहला पूछा है रेड आने की पॉबिलिटी तो जी इस केस में हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी रेड कितनी है मार्बल्स फाइव है सो फेवरेबल फाइव हो गया एंड हमारा टोटल आउटकम क्या होगा टोटल आउटकम मतलब फाइव रेड बॉल्स हैं, एट वाइट है और फोर ग्रीन है तो so, टोटल निकाल लेंगे एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टी सिक्स सेवनटीन सो टोटल आर सेवनटीन नाउ प्रोबेबिलिटी कि रेड आएगी इज फाइव अपॉन सेवेंटीन क्लियर है जी सेकेंड पार्ट पे चलते हैं चलतेकेंड है वाइट सो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगेन फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो जाएगा वाइट मार्बल्स कितने हैं एट है. और टोटल आउटकम कितना है टोटल आउटकम्स है हमारे सेवनटीन सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी व्हाइट मार्बल आने की एट अपॉन सेवनटीन ठीक है नेक्स्ट थर्ड पार्ट में है नॉट ग्रीन इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने बॉल निकाली वो ग्रीन नहीं होगी सो so, इस केस में हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो सकता देखो ग्रीन ना हो तो वाइट भी आ रही। अगर ग्रीन नहीं आ रही तो रेड भी आ सकती है व्हाइट भी आ सकती तो है तो रेड कितने हैं फाइव व्हाइट कितने हैं एट विच मींस फाइव प्लस एट सो ये हमारा हो जाएगा एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन सो मतलब फेवरेबल आउटकम हमारे थर्टीन हो गए मतलब रेड भी आ सकती है व्हाइट भी आ सकती है ग्रीन नहीं आनी चाहिए सो so, यहाँ पे टोटल तो सेम ही रहेगा टोटल आउटकम हमारा सेवनटीन ही रहेगा सो so, जी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट ग्रीन विल बी थर्टीन अपॉन सेवनटीन ठीक है जी सो so, यही तीन पार्ट पूछे थे हमसे तो दिस वॉज दी नाइन्थ क्वेश्चन लेट्स जंप टू क्वेश्चन सो जी टेंथ क्वेश्चन में है अ पिगी बैंक कंटेन हंड्रेड 50 पैसा कॉइन्स अब 50 पैसा के 100 कॉइन्स हैं जी 50 वन रुपी के कॉइन है मतलब वन रुपी वाले 50 कॉइन्स हैं दें 22 रुपी के कॉइन है 2 रुपी के कॉइन 20 है एंड 10 5 रुपीस कॉइन और 5 रुपी के कॉइन हमारे पास 10 है ठीक है इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ दी कॉइन्स विल फॉल आउट वेन दी बैग इज टर्न अप साइड डाउन अब देखो यहां पे कितना क्लियर उन्होंने लिखा है कि इक्वली लाइकली जैसे अब बैग को टर्न करोगे तो एक कॉइन गिरेगा ही गिरेगा फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे ना इक्वली अब यहाँ पे अगर वो बस बोल देते कि गिरेगा तो ये भी हो सकता है कि भैया बैक टर्न किया और कॉइन गिरा ही ना तो वो इक्वली लाइकली नहीं होता इसलिए उन्होंने अलग से मेंशन कर दिया कि बैक को अगर अप साइड डाउन करोगे तो एक कॉइन तो पक्का गिरेगा सो दैट मीन हमसे पूछा है आगे इज प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन 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 विल बी अ पैसा तो देखो बैक को डाउन किया एक पक्का गिरेगा क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फिफ्टी पैसे का होगा सो हियर फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो जाएगा फिफ्टी पैसे के देखो कितने कॉइनस है फिफ्टी पैसे के हंड्रेड कॉइन्स है

सो so, इसको आगे फर्दर कट कर सकते हैं टू के टेबल से फाइव एंड नाइन सो फाइव अपॉन नाइन इज दी प्रोबेबिलिटी ठीक है कि वो फिफ्टी पैसे का कॉइन होगा सेकंड विल नॉट बी अ फाइव रुपी कॉइन अब प्रोबेबिलिटी निकाल ली है नॉट अ फाइव रुपी कॉइन अब इस केस में थोड़ा सा ध्यान से समझना फाइव रुपी का कॉइन ना हो दैट मीन्स फिफ्टी पैसे का भी हो सकता है वन रुपी का भी हो सकता है और टू रुपी का भी हो सकता है तो हमारा यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या होगा देखो फाइव रुपी का वो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए लेकिन हमारा यहाँ पे अगर फाइव का नहीं है तो फिफ्टी पैसे का हो सकता है वन रुपी का भी और टू का भी मैट मतलब फेवरेबल हो गया हंड्रेड प्लस फिफ्टी प्लस ट्वेंटी तो ये हो गया हंड्रेड प्लस फिफ्टी प्लस ट्वेंटी सो so, ये हो जाएगा वन सेवेंटी सो फेवरेबल आउटकम है वन सेवेंटी एंड अगेन टोटल हमारा सेम ही है टोटल वन एटी है सो so, जी प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू फेवरेबल मतलब 170 अपॉन में टोटल मींस 180 एटी जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा सो so, प्रोबेबिलिटी आ गया 17 अपॉन एटीन ओके okay, जी सो so, ये था हमारा टेंथ क्वेश्चन नाउ विल गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन द नेक्स्ट वीडियोस सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विल टेक केयर एंड बाय